ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 1270 क्लैरिफाइड ऑन 28 मार्च 2010 एट विजय विहार। ओम शांति। आज क्या प्रातः क्लास है? 6 अक्टूबर 1968। ओम शांति। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 6 अक्टूबर 1968। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। पीपल कॉल द फादर द ट्रू एम्परर टू। अंग्रेजी में बादशाह नहीं कहते हैं। He isn't called the emperor in English. उसमें सिर्फ सच्चा फादर ही कहेंगे। He will just be called true father in that language. तो अंग्रेज फादर कहते हैं। So the English call him the father. और यहाँ सच्चा बादशाह है कहते हैं। And they call him the true emperor here. अंग्रेज ये भी कहते हैं God Father is truth. The English also say God the Father is truth. और भारत में सच्चा बादशाह कहते हैं। Whereas he is called the true emperor in Bharat. अभी देखो फर्क तो बहुत है। Now look, there is certainly a big difference. वो सिर्फ सच्चा कहते हैं। They just call him true. सच सिखलाते हैं। He teaches you truth. और सच्चा बनाते हैं। And makes you true. और यहाँ कहते हैं सच्चा बादशाह। Whereas he is called the true emperor here. अर्थात सच भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। It means he makes you true as well as the emperor of Sachkhand, meaning the land of truth. तो उनको सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। So he is also called the true emperor. ये तो बरोबर मुक्ति भी देते हैं और जीवन मुक्ति भी देते हैं। He certainly gives liberation as well as liberation in life. जिसको कहा जाता है भक्ति का फल। इट इज कॉल्ड द फ्रूट ऑफ भक्ति। लिबरेशन कहा जाता है। इट इज कॉल्ड लिबरेशन। तो भक्ति का फल भी देते हैं। सो ही गिव्स द फ्रूट ऑफ भक्ति। और भक्ति से लिबरेट भी करते हैं। एज वेल एज लिबरेट्स यू फ्रॉम भक्ति। बच्चे जानते हैं हमको बाबा दोनों ही देते हैं। The children know बाबा gives us both. मुक्ति भी देते हैं और जीवन मुक्ति भी देते हैं। Liberation as well as liberation in life. मुक्त अर्थात लिबरेट तो सबको करते हैं। In fact, he frees meaning liberates everyone. और तुमको फल देते हैं। एंड गिव्स यू द फ्रूट। तो लिबरेशन और फ्रूशन। सो लिबरेशन एंड फ्रूशन। ये भी देखो भाषा बनाई हुई है। लुक दे हैव मेड सच लैंग्वेज। और सभी अपनी अपनी किस्म की भाषाएं बनाते हैं। एंड एवरीवन मेक्स देयर ओन काइंड ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि भाषाएं तो बहुत हैं। इट इज बिकॉज देर आर सर्टनली मेनी लैंग्वेजेस। शिव बाबा के भी अनेक नाम रखे हुए हैं। दे हैव केप्ट मेनी नेम्स फॉर शिव बाबा टू। कोई को कहो इफ यू टेल समवन उनका शिव नाम है दैट हिज नेम इज शिव तो कह देते हैं हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। दे से वी सर्टनली कॉल हिम मास्टर। हमें मालिक कहना ही ज्यादा अच्छा लगता है। We prefer to call him master itself. अब मालिक तो ठीक है।
वेल द एड्रेस मास्टर इज ऑल राइट परंतु उस मालिक का भी नाम तो चाहिए ना बट देर शुड सर्टनली बी अ नेम ऑफ दैट मास्टर टू शुडंट देर नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है देर इज नथिंग दैट इज बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म मालिक भी कोई चीज का बनता है ना He certainly becomes the master of something, doesn't he? तो नाम रूप तो जरूर है So he certainly has a name and form. अभी तुम बच्चे जानते हो Now your children know. बाप बरोबर लिबरेट भी करते हैं The father certainly liberates everyone. फिर शांति धाम भेज देते हैं Then he sends them to the abode of peace. शांति धाम में सभी को जाना तो जरूर है Everyone certainly has to go to the abode of peace. अपने घर का दीदार सभी को जरूर करना है Everyone definitely has to see their home. चाहे इन आँखों से करें Whether they see it through these eyes. या साक्षात्कार में करें Or have visions. क्योंकि दुनिया में भक्तों की संख्या तो बहुत है It is because There are a large number of devotees in the world. हम आत्माएं अपने घर से ही आए हैं We souls have come from our home itself. वो बाप का घर है तो पहले उनका ही दीदार करेंगे It is the father's home, so we will just see it first. इसको कहा जाता है गति सदगति It is called गति सदगति बल अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ सहित है दो दे यूज द वर्ड इट इज मीनिंगफुल तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है यू चिल्ड्रन सर्टनली फील हम अपने घर भी जावेंगे और फिर हमको फल भी मिलेगा वी विल गो होम एज वेल एज रिसीव द फ्रूट नंबरवार फल तुमको मिलता है यू रिसीव द फ्रूट नंबर वाइज और धर्म वालों को फिर समय अनुसार मिलता है द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन्स रिसीव एज पर देयर टाइम कोई सात्विक समय में फल पाते हैं सम रिसीव द फ्रूट इन द सात्विक पीरियड कोई रजो प्रधान में सम इन द रजो प्रधान पीरियड कोई तमो प्रधान में फल पाते हैं एंड सम रिसीव द फ्रूट इन द तमो प्रधान पीरियड तो देखो तुमको नंबर वार मिलता है सो लुक यू रिसीव इट नंबर वाइज समय अनुसार की उतनी बात नहीं है इट इजंट मच अकॉर्डिंग टू द टाइम बाप ने समझाया था द फादर एक्सप्लेन्ड वो पर्चा बहुत अच्छा है जो तुमने छपवाया स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो The pamphlet that you printed is very good, stating, Are you the resident of heaven or hell? तुम बच्चे जानते हो You children know. ये दोनों ही godfatherly birthright है Both are the birthright of God the Father. बाप का birthright है It is the birthright given by the Father. तुम लिख भी सकते हो You can also write. बच्चों का ये birthright है It is the birthright of the children. बाप का बनने से दोनों चीजें प्राप्त होती हैं You receive both on belonging to the father. तो ये पर्चा हिंदी में होना चाहिए So this pamphlet should be in Hindi. अंग्रेजी में अभी तक लिखा नहीं है You haven't written it in English yet. बाबा ने तो कितनी बार कहा अंग्रेजी में भी छापो इन फैक्ट बाबा हैज सेड सो मेनी टाइम्स प्रिंट इट इन इंग्लिश एज वेल तो दोनों के लिए लिखना पड़े सो यू विल हैव टू राइट इट इन बोथ उसको कहेंगे रावण का बर्थराइट और ये है परमपिता परमात्मा का बर्थराइट दैट विल बी कॉल्ड रावण्स बर्थराइट And this is the birthright given by the Supreme Father, Supreme Soul. Parampita Paramatma hai Bhagwan. The Supreme Father, Supreme Soul is God.
तो भगवान का बर्थ राइट है। सो इट इज गॉड्स बर्थ राइट। और वो है शैतान का बर्थ राइट। क्या? Whereas that is the devil's birthright. What? नरकवासी बनना। To become the resident of hell. और स्वर्गवासी बनना किसका birthright? And whose birthright is it to become the resident of heaven? भगवान का birthright. It is God's birthright. तो ऐसे लिखना चाहिए जो पत्थर बुद्धियों को कुछ समझ में आवे। So you should write in such a way that the ones with a stone-like intellect understand something. Baba ne bahut baar samjhaya hai. Baba has explained it many times. Parantu Hindi ko Angrezi banana shayad accurate kisi ko aata nahi hai. However, perhaps no one knows how to translate Hindi into English accurately. Abhi tum bachchon ko to heaven sthapan karna hai. Now you children certainly have to establish heaven. क्या स्थापन करना है? What do you have to establish? Heaven. नाम heaven क्यों दिया? Heaven. Why is it named heaven? विजयमाला तैयार होती है ना? विजयमाला, the rosary of victory is formed, isn't it? तो heaven बन जाता है। Then heaven is established. माया से हार खाने की बात ही नहीं रहती। There is no question of being defeated by Maya at all. नार की ये दुनिया का तुम कोई काम ही नहीं करते हो। You don't perform any task of the world of hell at all. अभी तो तुम जैसे कि babies हो। It is as if you are babies now. जैसे कलयुग की स्थापना को कहते हैं अभी बेबी है। Just like they say for the establishment of the Iron Age that it is a baby now. तो बाप कहते हैं। Similarly the father says कि सतयुग की स्थापना में भी अभी तुम बच्चे बेबी हो। You children are babies as regards the establishment of the Golden Age too. क्योंकि डायरेक्शन पर अमल नहीं करते हो। Because you don't obey the directions. ये डायरेक्शन पर अमल करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी नेसेसरी टू ओबे द डायरेक्शंस। तो अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। सो नाउ यू चिल्ड्रन आर रिसीविंग द इनहेरिटेंस। कौन सा वर्षा मिल रहा है? विच इनहेरिटेंस आर यू रिसीविंग? गॉड फादरली बर्थ राइट मिल रहा है। यू आर रिसीविंग गॉड द फादर्स बर्थ राइट। क्या बताया? व्हाट वाज सेड? गॉड फादरली बर्थ राइट क्या हुआ? वॉट इज गॉड द फादर्स बर्थ राइट? स्वर्गवासी। टू बिकम द रेजिडेंट ऑफ हेवन। रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे। रावण्स बर्थ राइट वोंट बी कॉल्ड एनी इनहेरिटेंस। उससे तो शाप मिलता है। यू रिसीव कर्स फ्रॉम हिम। गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है। You certainly receive inheritance from God the Father. और वो रावण कोई फादर थोड़े ही है। In addition, that Ravan isn't a father. फादर 10 सिर वाला होगा क्या? Will someone with 10 heads be the father? उनको तो शैतान कहा जाता है। He is called demon. अब शैतान का वर्षा क्या मिलता होगा? Well, what would you receive as the demon's inheritance? शैतान का वर्षा मिलता है विकार। You receive vices as the demon's inheritance. शो भी ऐसा ही करते हैं। That's how you show it as well. चित्र बनाते हैं। You make pictures. तमो प्रधान बन जाते हैं तो गधे मिसल बन जाते हैं। When you become tamo pradhan, you become like donkey. अभी दशहरा पास हुआ। Now Dashera passed. कितना मनाया? They celebrated it a lot. Ceremony मनाते हैं। They conduct a ceremony. कितना खर्चा करते हैं? They spend so much.
विलायत से भी निमंत्रण दे करके बुलाते हैं। They invite even the people abroad. सबसे नामी ग्रामी दशहरा मैसूर का मनाया जाता है। The most famous Dashera is celebrated at Mysore. क्यों? Why? हैं? एक तरफ है सूर्य। On one side there is the sun. रोशनी करने वाला। That gives light. और दूसरी तरफ है? And on the other side there is. एक का नाम देते हैं दिनकर। One is named Dinkar, day maker, the sun. तो उसके मुकाबले दूसरे का नाम देते हैं? When compared to it, the other is named राकापति। राका अर्थात रात। राकापति, the lord of night, the moon. राका means night. नाम के आधार पर रखे जाते हैं। On what basis is someone named? काम के आधार पर नाम रखे जाते हैं। They are named on the basis of the task performed. अच्छा काम करते हैं तो उनका कितना नाम होता है? When someone performs good tasks, he becomes very famous. पूजा भी करते हैं। He is even worshipped. रावण की कोई पूजा नहीं करते होंगे? No one would be worshipping Ravan. करते हैं? नहीं करते? Do they worship him? They don't. तीन मूर्तियां हैं। There are three personalities. कोई की पूजा करते हैं, कोई की पूजा नहीं करते। किसकी नहीं करते? Some are worshipped and some aren't. Who isn't worshipped? ब्रह्मा की मूर्ति नहीं बनावेंगे। Brahma's idols aren't made. मंदिर नहीं बनावेंगे, पूजा नहीं करेंगे। His temples aren't built and he isn't worshipped. रावण की पूजा नहीं करते हैं? Ravan isn't worshipped. मैसूर वाले रावण का सेरेमनी बहुत अच्छा मनाते हैं। Those from Mysore celebrate the ceremony of Ravan very well. वो पैसे वाला भी बहुत है। They are very wealthy too. तुम क्या कहेंगी? What will you say? सबसे नामी ग्रामीण दशहरा मनाना होता है मैसूर का। The most famous Dashera is celebrated at Mysore. वो पैसे वाला तो भले है परंतु अकल कहाँ है? Though they are wealthy, they don't have an intellect. अकल है या नहीं है? Though they have an intellect or not? है? Student, they do. Do they? रावण जलाने से परिवर्तन हो जाएगा। Will there be transformation by burning Ravan? जैसे दुनिया वाले कोई बहुत दुख देते हैं तो उनका पुतला जलाई देते हैं। Just like when someone gives a lot of sorrow, the worldly people burn his effigy. तो उनका पुतला जलाने से वो परिवर्तन हो जाते हैं क्या? So does he change by their burning his effigy? तो अकल है या चट हो गई? So do they have an intellect or have they lost it? रावण राज्य में पैसा मिलता है। When someone receives wealth in Ravan's kingdom, तो अकल चट हो जाता है। He loses his intellect. और बाप को देखो। Whereas look at the father. बाप पैसे भी देते हैं और अकल भी देते हैं। The father gives wealth as well as an intellect. पैसे कौन से देते? Which wealth does he give? कहते हैं ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे सच्चे रतन बन जाएंगे।
ही सेज दीज जेम्स ऑफ नॉलेज देमसेल्व्स विल बिकम योर रियल जेम्स। यहाँ इस दुनिया में तो भल कोई पदमपति है, दो सम आर बिलियनेयर्स हियर इन दिस वर्ल्ड, परंतु बड़े बड़े शैतान है, दे आर वेरी विकेड। बाप डिटेल में बैठ समझाते हैं। द फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स इन डिटेल। इनका नाम ही है रावण राज्य, इट्स वेरी नेम इज रावण्स किंगडम। इनकी भेंट में व्हेन कंपेयर्ड टू इट, फिर भगवान को कहा जाता है ईश्वरीय राज्य, गॉड्स किंगडम इज कॉल्ड द ईश्वरीय किंगडम। राम राज्य कहना भी रामग्रह हो जाता है, इट इज रॉन्ग टू इवन से राम्स किंगडम, क्योंकि राम राज्य कहने से कहेंगे राम ने तो अपनी स्त्री ही गवाई दी। इट इज बिकॉज इफ यू कॉल इट राम्स किंगडम दे विल से राम सर्टेनली लॉस्ट हिज वाइफ, सारा राज्य गवाई दिया, ही लॉस्ट हिज एंटायर किंगडम। तो ऐसे राम का तो नाम भी फिर बुद्धि में नहीं आना चाहिए। सो इवन द नेम ऑफ सच राम शुडंट कम टू योर इंटेलेक्ट। गांधी को भी मनुष्य अवतार मानते, पीपल कंसिडर इवन गांधी टू बी एन इनकार्नेशन। उनको ट्रेन में कितने पैसे देते थे, दे यूज टू गिव हिम सो मच ऑफ मनी इन ट्रेन्स। वो सिर्फ इशारा करते थे और मनुष्यों को ये पता था कि ये रामराज्य स्थापन कर रहे हैं। He used to just indicate and people knew that he was establishing Ram's kingdom. उनको भारत का बापूजी कहते थे। He was called Bapuji, that is father of Bharat. अब ये तो सारे विश्व का बापूजी है। Well, this one is certainly the father of the entire world. अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कि दुनिया में कितनी जीव आत्माएं होंगी। नाउ यू आर सिटिंग हियर, यू नो हाउ मेनी लिविंग सोल्स देयर वुड बी इन द वर्ल्ड। जीव आत्माओं का जीवन तो विनाशी है, द लाइफ ऑफ द लिविंग सोल्स इज पेरिशेबल, परंतु उनकी आत्मा तो अविनाशी है, बट देयर सोल इज सर्टेनली इम्पेरिशेबल। और आत्माएं ढेर हैं। इन एडिशन देयर आर मेनी सोल्स, जैसे ऊपर से सितारे ढेर के ढेर होते हैं, जस्ट लाइक देर आर मेनी स्टार्स अबाउ। तो बताओ, सो टेल मी, सितारे जास्ती हैं या आत्माएं जास्ती हैं? आर द स्टार्स और द सोल्स मोर? है गिनी है क्या? स्टूडेंट रिप्लाइज, हैव यू काउंटेड देम? क्योंकि तुम हो धरती के सितारे, इट इज बिकॉज यू आर द स्टार्स ऑफ लैंड, और वो हैं आसमान के सितारे, एंड दे आर द स्टार्स ऑफ स्काई। वो आसमान के सितारे भी कोई जास्ती चमकते हैं, इवन अमंग दो स्टार्स ऑफ द स्काई सम शाइन मोर, कोई कम चमक मारते हैं, एंड सम शाइन लेस। तुम भी ऐसे ही सितारे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। You are also such stars, number wise according to your purusharth. कोई तो बहुत ज्ञान की चमक मारने वाले हैं। Some give out a lot of shine of knowledge. 6/10/68 की वाणी का दूसरा पेज। Second page of the Vani dated 6/10/68. तुमको देवता कहा जाता है। You are called deities. वो दुनिया वाले हो ना? आसमान के जड़ सितारों को भी देवता कह देते। द वर्ल्डली पीपल कॉल इवन दोस इनर्ट स्टार्स ऑफ द स्काई एज डीटीज। मंगल देवता, द डीटी मार्स, बुद्ध देवता, शनि देवता, द डीटी मर्क्यूरी, द डीटी सैटर्न, सूर्य देवता, द डीटी सन, चंद्र देवता, एंड द डीटी मून। वो जड़ को कहते हैं और तुम चैतन्य को कहते हो। दे कॉल द इनर्ट प्लैनेट्स दैट, वेयर एज यू कॉल द लिविंग वंस दैट। तो बताओ, सो टेल मी, वो जड़ सितारे जास्ती हैं या ये चैतन्य सितारे जास्ती हैं?
आर द इनर्ट स्टार्स और द लिविंग स्टार्स मोर? है अरे दोनों ही बराबर हैं। स्टूडेंट द इनर्ट स्टार्स, अरे बोथ आर इक्वल। न इनको गिना जा सकता और न उनको गिना जा सकता। नीदर दीज स्टार्स नॉट दोज स्टार्स कैन बी काउंटेड। दो तीन लोगों के विचार निकले। टू टू थ्री पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज। कोई ने कहा ऊपर वाले सितारे जास्ती हैं, कोई ने कहा आत्माएं जास्ती हैं। समवन सेड द स्टार्स अबव आर मोर, समवन सेड द सोल्स आर मोर। कोई ने कहा हम आगे चल के विचार करके बतावेंगे। समवन सेड वी विल थिंक एंड टेल यू लेटर ऑन। अच्छा इस बात पर आपस में फिर क्लास में बातचीत करना। अच्छा डिस्कस दिस पॉइंट विद वन अनदर इन द क्लास। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं। बाबा वोंट रेज दिस पॉइंट नाउ। ये तो समझाया है। दिस हैज सर्टेनली बीन एक्सप्लेन्ड। सभी आत्माओं का एक बाप है। देयर इज वन फादर ऑफ ऑल द सोल्स। उनकी बुद्धि में तो सभी हैं। जो भी मनुष्य मात्र है। देर आर ऑल द ह्यूमन बींग्स इन देयर इंटेलेक्ट। ये तो तुम जानते हो। इट इज यू हू नो। सृष्टि पर मनुष्य रहते हैं। ह्यूमन बींग्स स्टे इन द वर्ल्ड। कच्छ मच्छावतार आदि तो पानी में रहते हैं। द इनकार्नेशन ऑफ टॉर्टोइस फिश एटसेट्रा स्टे इन वॉटर। क्या कहा? वॉट वॉज सेड। बेहद का अर्थ क्या हुआ? What is its meaning in the unlimited? है ज्ञान जल धारण करने वाले पानी में रहते हैं। जानवरियत के अवतार। Students, the water of knowledge. Do the incarnations of animals who assimilate the water of knowledge stay in water? और तुम रामकृष्ण अवतार धरणी पर रहते हो। And you, the incarnations of Ram and Krishna stay on land? तो कौन अच्छे हुए? So who are better? है? अच्छा किसको कहेंगे? Who will be called better? जो ज्ञान जल का आधार लेकर रहते हैं, या जो कन्या माता रूपी धरणी का आधार लेकर रहते हैं? Those who stay taking the support of the water of knowledge, or those who stay taking the support of land in the form of the maidens and mothers? क्यों? स्टूडेंट लैंड इन द फॉर्म ऑफ द मेडन्स एंड मदर्स। व्हाई? ज्ञान तो भगवान से आता है। नॉलेज इन फैक्ट कम्स फ्रॉम गॉड। भगवान से जो चीज आती है उसका आधार लेना अच्छा है या बुरा है? इज इट गुड और बैड टू टेक द सपोर्ट ऑफ समथिंग दैट कम्स फ्रॉम गॉड? तो कच्छ मच्छ अवतार अच्छे या रामकृष्ण अवतार अच्छे? सो आर द इनकार्नेशन ऑफ टॉर्टोइस एंड फिश और द इनकार्नेशन ऑफ राम एंड कृष्ण बेटर? अरे कारण? स्टूडेंट राम एंड कृष्ण, अरे व्हाट इज द रीजन? क्योंकि भगवान के दिए हुए ज्ञान को दुर्योधन दुशासन पुरुष धारण नहीं करते हैं। इट इज बिकॉज मैन इन द फॉर्म ऑफ दुर्योधन एंड दुशासन डोंट असिमिलेट द नॉलेज नरेटेड बाय गॉड। और कन्याएं माताएं धारण करती हैं। वेयर एज द मेडन्स एंड मदर्स असिमिलेटेड। इसलिए राम कृष्ण अवतार जो माने जाते हैं भगवान के वो श्रेष्ठ हैं। This is why Ram and Krishna, who are considered to be the incarnations of God, are elevated. किसका आधार लेते हैं? Whose support do they take? कन्याओं माताओं का आधार लेते हैं। They take the support of the maidens and mothers. क्योंकि कन्याएं माताएं भगवान के दिए हुए ज्ञान को धारण करती हैं। It is because the maidens and mothers assimilate the knowledge given by God. और कच्छ मच्छ अवतार
ज्ञान को धारण करते हैं, ढकोसला दिखाते हैं। एंड द इनकार्नेशंस ऑफ टॉर्टोइस एंड फिश प्रिटेंड टू असिमिलेट द नॉलेज। जानवर क्या धारण करेगा? व्हाट विल द एनिमल्स असिमिलेट? जानवरों में तो चाहे स्त्री जाति का हो या पुरुष जाति का हो। Among the animals, whether they are of the feminine gender or the masculine gender. वो तो ज्ञान की गहराई को पूरा समझ ही नहीं सकता। They can't understand the depth of the knowledge completely at all. तो ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। So it is about the world of Brahmins. ब्राह्मणों की दुनिया में जो अपन को ज्ञानी तू आत्मा कहलाते हैं, वो अहंकारी असुर हैं। In the world of Brahmins, those who call themselves as knowledgeable souls, they are egoistic demons. क्योंकि ज्ञान तो भगवान का दिया हुआ है। It is because is knowledge given by God? या उनका खुद की रचना है? Or is it their own creation? भगवान का दिया हुआ है। It is given by God. तो जो कच्छ मच्छ अवतार होते हैं वास्तव में, वो ज्ञान का अहंकार धारण करते हैं। So those who are the incarnations of tortoise and fish actually have the ego of knowledge. अहंकारी होने के कारण जानवर बुद्धि है। They are the ones with an animal-like intellect because of being egoistic. राम कृष्ण वाली आत्माएं ज्ञान का अहंकार धारण नहीं करती, क्योंकि जानती है ये हमारा अपना ज्ञान नहीं है। The souls of Ram and Krishna don't have the ego of knowledge. It is because they know it isn't our knowledge. किसका है? Whose is it? भगवान का दिया हुआ है। It is given by God. और भगवान की दी हुई चीज को भी हम पूरी रीति धारण नहीं कर सकते, क्योंकि पुरुष चोला है। And we can't assimilate something given by God completely either. For we have a male body. कन्याएं माताएं अच्छी रीति धारण करके दिखाती है। The maidens and mothers assimilate it nicely and prove themselves. तो हम उनकी महानता को मानेंगे। So we will accept their greatness. जो असुर हैं, वो भगवान भी उतर आए तो भी कन्याओं माताओं की महानता को स्वीकार नहीं करेंगे। The demons won't accept the greatness of the maidens and mothers, even though God descends. तो देखो। So look. मनुष्य तो धरती पर रहते हैं। Human beings stay on land. और कच्छ मच्छ अवतार पानी में रहते हैं। And the incarnations of tortoise and fish stay in water. ये बात भी सभी कोई जानते हैं। Everyone knows even this. कि सारी मनुष्य सृष्टि समुद्र पर खड़ी हुई है। The entire human world is lying in the ocean. ये बात कोई को भी मालूम नहीं है। No one knows this. पृथ्वी पर पानी का हिस्सा ज्यादा है या दूसरे तत्व ज्यादा है? Is the part of water or the other elements more on earth? शरीर में भी पानी का तत्व ज्यादा होता है या दूसरे तत्व जास्ती होते हैं? पानी जास्ती होता है। Even in the body, is the element of water or any other elements more? Water is more. तीन हिस्सा पानी होता है और एक हिस्सा और चीजें होती हैं। There are three parts of water and one part of the other elements. तो ये बात तो कोई को नहीं मालूम है जो बाप ने समझाई है कि रावण राज्य सारी सृष्टि पर फैला हुआ है। So, no one even knows this concept which the father has explained that the kingdom of Ravan is spread over the entire world. और सारी सृष्टि के चारों ओर तो सागर है।
एंड देयर इज सर्टेनली द ओशन अराउंड द एंटायर वर्ल्ड। वो भक्ति मार्ग वाले बताते हैं कि नीचे बैल है। दोज ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति से देयर इज अ बुल बिलो इट। उस बैल के सींगों पर सृष्टि खड़ी है। द वर्ल्ड इज ऑन द हॉर्न्स ऑफ दैट बुल। बैल के दो सींग होते हैं या एक सींग होता है? डज अ बुल हैव टू हॉर्न्स और वन हॉर्न? दो सींग हैं। इट हैज टू हॉर्न्स। एक सींग पर पृथ्वी का भार लिए हुए जब थक जाते हैं तो दूसरे सींग पर पृथ्वी का भार ले लेते हैं। When it gets tired of holding the weight of the earth on one horn, it takes its weight on the other. सींग बदल देते हैं। It changes the horn. तो ऐसा करते तो राइटियस और ऐसा करते तो लेफ्टिस्ट हो जाती। When it does like this, that is, tosses its head to the right, it, meaning the world, is righteous. When it does like that, meaning tosses its head to the left, it becomes leftist. फिर कहते हैं कि ऐसे ऐसे करने से सृष्टि खलास हो जाती। Then they say, when it does like this, that is rigorously shake its head, the world is destroyed. अभी पुरानी दुनिया खलास होने वाली है। Now the old world is going to be destroyed. और नई दुनिया स्थापन होने वाली है। And the new world is going to be established. बैल कौन है? Who is the bull? है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा पहले तो पृथ्वी को धारण किया। Did he first hold the earth? कन्याओं माताओं को धारण किया। The maidens and mothers. या हिलाई दिया। पहले तो धारण किया। और डिड ही शेक देम? फर्स्ट ही हेल्ड देम। अभी शरीर छोड़ने के बाद भी नाउ इवन आफ्टर लीविंग हिज बॉडी धारण कर रहे हैं। इज ही होल्डिंग देम या छोड़ रहे हैं? और लीविंग देम अभी भी धारण कर रहे हैं। ही इज होल्डिंग देम इवन नाउ। अब शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें लिखी। वेल देर आर मेनी काइंड ऑफ थिंग्स रिटन इन द स्क्रिप्चर्स। दंत कथाएं लिखी है। फैब्रिकेटेड स्टोरीज हैव बीन रिटन। ये तो बच्चे समझते हैं। द चिल्ड्रन डू अंडरस्टैंड कि हम सभी आत्माएं शरीर के साथ हैं। ऑल ऑफ अवर सोल्स आर विद अ बॉडी हियर। उनको कहा जाता है जीव आत्माएं। They are called the living souls. जीवन धारण करने वाली आत्माएं। The souls who have life. वो जो आत्माओं का घर है वहाँ तो शरीर होता ही नहीं है। There isn't the body there at all in that home of the souls. तो जीवन धारण करने की बात ही नहीं है। So there isn't the question of having life at all. उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। इट इज कॉल्ड द इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। जीवों का तो आकार होता है। द लिविंग बींग्स सर्टनली हैव अ शेप। तो उनको कहा जाता है साकार। सो दे आर कॉल्ड कॉर्पोरियल। निराकार को शरीर नहीं होता है। द इनकॉर्पोरियल वन डजंट हैव अ बॉडी। साकार को शरीर होता है। द कॉर्पोरियल वन हैज अ बॉडी। तो अब तुम जान गए हो कि साकारी सृष्टि इस दुनिया को कहा जाता है। सो नाउ यू हैव कम टू नो दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड द कॉर्पोरियल वर्ल्ड। और वो है निराकारी दुनिया। एंड दैट इज द इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्माओं की भी सृष्टि कहेंगे। कहेंगे है? द वर्ल्ड ऑफ द सोल्स विल ऑल्सो बी कॉल्ड अ वर्ल्ड। विल इट बी कॉल्ड दैट? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? स्टूडेंट्स नो। वोंट इट बी कॉल्ड दैट? व्हाई वोंट इट बी कॉल्ड दैट? है?
आत्माओं की सृष्टि क्यों नहीं कहेंगे? Why won't the world of the souls be called a world? क्योंकि आत्माएं तो अविनाशी हैं. कि विनाशी है? It is because the souls are certainly imperishable. Or are they perishable? अविनाशी हैं, उनका सृजन नहीं किया जाता. They are imperishable. They aren't created. आत्माओं का सृजन किया जाता है? नहीं किया जाता. Are the souls created? They aren't. और सृष्टि तो सृजन की जाती है. Whereas the world is created. नई से पुरानी और पुरानी से नई सृष्टि रची जाती है. The old world is created out of the new world and the new world is created out of the old world. यहाँ बाप कहते हैं आत्माओं की भी सृष्टि कहेंगे. Here the father says the world of the souls will also be called a world. वो कैसे? How is it that? क्योंकि जब पुरानी दुनिया हो जाती है बदल कर, नई सृष्टि से बदल कर पुरानी सृष्टि हो जाती है, तो हम सब अपनी आत्मा को भूल जाते हैं. It is because when the world changes and becomes old, when the new world changes and becomes old, all of us forget our soul. अपन को देह समझ बैठते हैं. And consider ourselves to be a body. फिर बाप आकर हमारी बुद्धि में आत्मा की पहचान देते हैं. Then the father comes and sets the introduction of our soul in our intellect. तो जैसे कि पहले जो चीज नहीं थी, पहचान मिलने से वो चीज का सृजन हो गया. So it is as if something that wasn't there earlier, that was created on having the introduction. इसलिए कहा. This is why it was said. कि आत्माओं की भी निराकारी सृष्टि कहेंगे. The world of the souls will also be called an incorporeal world. उनको कहा जाता है incorporeal world. That is called the incorporeal world. ये है corporeal world. And this is the corporeal world. आत्मा जब शरीर में आती है, When the soul enters a body, तो शरीर में चुर्र पुर्र होता है. There are movements in the body. गर्भ में आत्मा होती है, When there is a soul in the womb, तब चुर्र पुर्र होता है. There are movements. आत्मा नहीं होती है, When there isn't the soul, तो गर्भ पिंड पहले निर्जीव होता है. The fetus is non-living at first. कोई चुर्र पुर्र नहीं, कोई हलन चलन नहीं. There isn't any movement or activity. शरीर में आत्मा नहीं हो तो शरीर कोई काम का नहीं रहता. If there isn't a soul in the body is of no use. तो आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है निराकारी दुनिया. So the world of souls is called the incorporeal world. जितनी भी आत्माएं हैं वो सब आत्माएं पिछाड़ी में इस सृष्टि पर आनी चाहिए. All the souls should come in this world at the end. इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है. This is why it is called the पुरुषोत्तम संगम युग. नंबरवार पुरुषों में अर्थात आत्माओं में जो भी उत्तम उत्तम आत्माएं हैं वो इस युग में आ जाती हैं. All the excellent, that is Uttam souls, among the number wise Purush, that is souls, come in this age. सभी आत्माएं जब यहाँ आ जाती हैं, When all the souls come here, तो वहाँ निराकारी दुनिया में फिर एक भी नहीं रहता. There isn't a single soul left there in the incorporeal world. वहाँ जब एकदम खाली हो जाता है, तो फिर सभी आ जाते हैं. When all the souls descend, it becomes completely empty there. तुम सभी संस्कार ले जाते हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार. All of you take along the संस्कार्स number wise according to your पुरुषार्थ. कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं. Some take along the संस्कार्स of knowledge. कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं. Some take along the संस्कार्स of purity.
जो नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं और जो प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? What difference occurs between those who take along the संस्कार्स of knowledge and those who take along the संस्कार्स of purity? है? हाँ. स्टूडेंट रुद्रमाला एंड विजयमाला. यस. नॉलेज मिलती है भगवान बाप से. यू रिसीव नॉलेज फ्रॉम गॉड द फादर. वो है रुद्र की माला. दैट इज द रोजरी ऑफ रुद्र. और प्योरिटी किससे मिलती है? एंड थ्रू होम डू यू रिसीव प्योरिटी? नहीं, आत्मा सदैव प्योरिटी में है, ये कभी इम्प्योरिटी में भी आती है? स्टूडेंट्स रिप्लाई नो. डज अ सोल ऑलवेज स्टे प्योर और डज इट एवर बिकम इम्प्योर टू? है और सब आत्माएं जो भी है वो सब प्योरिटी इम्प्योरिटी में आती है. ऑल द अदर सोल्स बिकम प्योर एंड इम्प्योर. और आत्माओं का बाप एवर प्योर है, वो कभी भी इम्प्योरिटी में नहीं आता है. Whereas the father of the souls is ever pure, he never becomes impure. तो जो कभी भी इम्प्योरिटी में नहीं आता है उसको जास्ती याद कौन करते हैं? So the one who never becomes impure, who remember him more? कन्याएं माताएं ज्यादा याद करती हैं या पुरुष जास्ती याद करते हैं? क्यों? Do the maidens and mothers or the men remember him more? Students, the maidens and mothers. Why? है? कन्याएं माताएं जास्ती याद क्यों करती हैं? Why do the maidens and mothers remember him more? प्योरिटी में दुखी होते हैं? Student, they become sad because of purity. Does someone become sad because of purity? हाँ, कलयुग के अंत में कन्याएं माताएं जास्ती दुखी होती हैं. स्टूडेंट एट प्रेजेंट व्हेन बाबा कम्स. यस, एट द एंड ऑफ द आयरन एज द मेडन्स एंड मदर्स बिकम मोर सोरोफुल. तनभी की भी शक्ति नहीं, अबला कही जाती है. दे डोंट हैव द पावर ऑफ द बॉडी ईदर, दे आर कॉल्ड वीक. धन की शक्ति भी सारी पुरुषों के हाथ में जाती है. The entire power of wealth also goes in the hand of men. और घरग्रस्त की चूल्हे में रहने के कारण बुद्धि मन बुद्धि भी संकुचित हो जाती है. And because of staying in the household, the kitchen, their mind and intellect also becomes limited. तो न तन का बल रहता है, न मन का बल रहता है, न धन का बल रहता है. So they neither have the power of the body, the mind, nor wealth. और परिवार? And what about their family? परिवार वाले भी, उनकी भी ये वृत्ति होती है, जहाँ देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात. It is the tendency of their family members too. Wherever they see a cooking pan and a marriage party, meaning an opportunity, they spend their entire night there itself. पक्षपात लेते हैं. They are partial. तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसे निर्बल केवल राम कहे जाते हैं. So the one who has nothing, Ram is called the strength of that weak one. भगवान उनका बल बनता है. गॉड बिकम्स देयर स्ट्रेंथ. तो दिल से याद करती है. सो दे रिमेम्बर हिम फ्रॉम देयर हार्ट. कोई अहंकार नहीं. दे डोंट हैव एनी ईगो. तन का भी नहीं, मन का भी नहीं, धन का भी नहीं. दे डोंट हैव द ईगो ऑफ द बॉडी, माइंड एंड वेल्थ ईदर. तो सच्चे दिल पर साब राजी हो जाता है, प्योरिटी की पावर मिल जाती है याद करने से. सो द मास्टर इज प्लीज्ड विद द ट्रू हार्ट.
दे रिसीव द पावर ऑफ प्यूरिटी बाय रिमेम्बरिंग हिम। रुद्रमाला को जो पुरुषों की माला है, पुरुष स्वभाव संस्कार वाले हैं, उनको प्योरिटी की पावर डायरेक्ट मिलती है या ज्ञान की पावर मिलती है? Thus the Rudramala, which is the rosary of men who have masculine nature and संस्कार्स, directly receive the power of purity or the power of knowledge? ज्ञान की पावर मिलती है। They receive the power of knowledge. बाप परमधाम से आते हैं। When the father comes from the supreme abode, तो क्या देते हैं, क्या लाते हैं? What does he give? What does he bring? है? ज्ञान दान लाते हैं। He brings the wealth of knowledge. अब कोई इम्प्योर हो और चाहे प्योर हो। Now, whether someone is impure or pure, ये नहीं देखते। He doesn't see. ये पवित्र है या अपवित्र है? That he is pure or impure. अपवित्र आत्मा है, उसके लिए भी ज्ञान है, और पवित्र आत्मा है, उसके लिए भी ज्ञान है। The knowledge is for the impure as well as the pure soul. ये ज्ञान जैसे बाप की प्रॉपर्टी है। This knowledge is like the father's property. उस प्रॉपर्टी का भी जो मान करते हैं। Those who respect that property too. कैसे मान होता है? How is it respected? पहले तो खुद धारण करे। First, they should assimilate it themselves. और धारण करके फिर दूसरों को धारण करावे। And after assimilating, they should make others assimilate it. इस कार्य में भी पुरुष वर्ग बेचारे पीछे रह जाते हैं। The poor men category lags behind in this task too. क्योंकि धारणा किसको जास्ती होती है? It is because who assimilate the knowledge more? पवित्र आत्माओं को ज्यादा धारणा होती है या अपवित्र आत्माओं को धारणा जास्ती होती है? Do the pure souls or the impure souls assimilate the knowledge more? पवित्र को धारणा जास्ती हो जाती है। The pure ones assimilate the knowledge more. कन्याएं माताएं पवित्रता के स्वभाव संस्कार वाली होती है। The maidens and mothers have the nature and संस्कार्स of purity. इसलिए भल है ज्ञान सुनने और सुनाने में, मनन चिंतन मंथन करने कराने में उतनी तीखी नहीं जाती है, फिर भी धारणा करने में तीखी चली जाती है। This is why, even though they don't go ahead in listening and narrating the knowledge, in thinking and churning, and making others think and churn to that extent, they go ahead in assimilating it. तो रुद्रमाला में जाना अच्छा या विजयमाला में जाना अच्छा? So, is it better to go in the Rudramala or the Vijayamala? दोनों में जाना अच्छा। क्यों? Students, it is better to go in both. Is it better to go in both? Why? अगर विजयमाला में जाएंगे तो रानी बनेंगे। If you go in the Vijayamala, you will become a queen. राजा के अधीन रहना पड़ेगा। You will have to be subordinate to the king. और रुद्रमाला में जाएंगे तो राजा बनेंगे। And if you go in the Rudramala, you will become a king. बाप की प्रॉपर्टी प्राप्त की है, दूसरों को दान दिया है। If you have received the father's property, if you have given the donation to others, बाप का धंधा चलाने में आगे निकले हैं। If you have gone ahead in running the father's business, तो बाप का धंधा है नई दुनिया स्थापन करना। So the father's business is to establish the new world, विश्व की बात चाहिए स्थापन करना। To establish the emperorship of the world. अब जो दुकान चलाएगा, बाप उसको अपनी दुकान सौंप देगा। Well, the father will entrust his shop to the one who runs it. ये विश्व की बादशाही की दुकान है। This is the shop of the emperorship of the world. तो राजा बनना अच्छा या रानी बनना अच्छा?
सो इज इट बेटर टू बिकम अ किंग और अ क्वीन? स्टूडेंट्स, इट इज बेटर टू बिकम अ किंग. राजा बनना अच्छा? इट इज बेटर टू बिकम अ किंग. अरे राजाएं जन्म जन्मांतर द्वापर युग से लेके अपवित्र बनते हैं. अरे द किंग्स बिकम इम्प्योर फॉर मेनी बर्थ सिंस द कॉपर एज. रानियां प्योरिटी को धारण करती हैं, खास भारत की रानियां. द क्वींस, स्पेशली द क्वींस ऑफ भारत, असिमिलेट प्योरिटी. भगवान पवित्र आत्माओं को जास्ती प्यार करता है या ज्ञानी तू आत्माओं को जास्ती प्यार करता है? Does God love the pure souls or the knowledgeable souls more? Students, the knowledgeable souls. ये क्या बात हुई? दोनों को करता है? What is this? Students, both of them. He loves both of them. दोनों को नहीं करता. ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है. He doesn't love both of them. The knowledgeable souls are especially dear to me. ज्ञानी इस अर्थ में नहीं कि सुनता बहुत है, सुनाता बहुत है. Not knowledgeable in the sense that he listens to and narrates a lot. नहीं. ज्ञानी इस अर्थ में कि जो कुछ सुनता है. No. He should be knowledgeable in the sense that whatever he listens to. उस सुने हुए को धारण करना भी नहीं. इट इज अबाउट असिमिलेटिंग इट ईदर. उस सुने हुए की जुगाली बहुत करता है, मनन चिंतन मंथन बहुत करता है. ही रुमिनेट्स अ लॉट व्हाट ही हैज लिसन टू. ही थिंक्स एंड चर्न्स इट अ लॉट. और मंथन के आधार पर एक एक पॉइंट से ढेर के ढेर रत्न निकलते हैं. And on the basis of churning, numerous gems emerge from each point. उसको पानी की गंगा नहीं कहेंगे. It won't be called the Ganges of water. वो ज्ञान की गंगा हो जाती है. It becomes the Ganges of knowledge. ऐसे मनन चिंतन मंथन करने वाला ज्ञान गंगाओं को सर के ऊपर धारण करता है. सर माथे पर. द वन हु थिंक्स एंड चर्न्स लाइक दिस होल्ड्स द गैंजेस ऑफ नॉलेज ऑन हिज हेड. ऑन द हेड. अब वो चाहे माता के रूप में हो, नाम दिया ब्रह्मा. वेदर शी इज इन द फॉर्म ऑफ द मदर, शी वॉज नेम्ड ब्रह्मा. अदर कुमारी के रूप में हो, वेदर शी इज इन द फॉर्म ऑफ एन अदर कुमारी, या कुमारी कन्या के रूप में हो. गंगा को कुमारी कन्या दिखाते हैं या अदर कुमारी दिखाते हैं? और इन द फॉर्म ऑफ अ मेडन, इज गैंजेस शोन टू बी अ मेडन और अदर कुमारी? कुमारी कन्या दिखाते हैं. शी इज शोन टू बी अ मेडन. तो बोला. सो इट वॉज सेड. इन कार्पोरियल वर्ल्ड और कार्पोरियल वर्ल्ड, द इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड एंड द कॉर्पोरियल वर्ल्ड. इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में आत्माएं कोई प्रकार की हरकत नहीं करती है. सोल्स डोंट डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी इन द इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड. आत्मा जब शरीर में आवे, व्हेन द सोल एंटर्स द बॉडी, पांच तत्वों के पुतले में आवे, द एफिजी ऑफ द फाइव एलिमेंट्स, तब हलन चलन हुए. देर आर मूवमेंट्स. अर्थात पुरुष रूपी आत्मा प्रकृति के संसर्ग संपर्क में आने मात्र से ही हलन चलन करने वाली बन जाती है. इट मीन्स द सोल इन द फॉर्म ऑफ अ मैन बिकम्स एक्टिव जस्ट बाय कमिंग इन द कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन ऑफ नेचर. सभी आत्माएं जब यहाँ आ जाती हैं, When all the souls come here,
तो फिर आत्माएं खलास हो जाती हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में. द सोल्स इन द इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड आर फिनिश्ड. आना तो फिर सबको यही है. देन एवरीवन सर्टेनली हैज टू कम हियर. परंतु जाना भी पहले घर में है. हाउएवर दे ऑल्सो हैव टू गो होम फर्स्ट. वहाँ अच्छे संस्कार हैं. देर आर गुड संस्कार्स देयर. कहाँ? वेयर? संस्कार हैं. आर देयर संस्कार्स देयर? कैसे पता चले कि निराकारी दुनिया में अच्छे संस्कार हैं? हाउ विल यू कम टू नो दैट देर आर गुड संस्कार्स इन द इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड. और यहाँ बुरे संस्कार हो जाते हैं. एंड द संस्कार्स बिकम बैड हियर. है? अच्छे संस्कार बदल करके फिर बुरे संस्कार बने हैं. द गुड संस्कार्स हैव चेंज्ड एंड बिकम बैड. कहाँ बने हैं बुरे संस्कार? वेयर हैव द संस्कार्स बिकम बैड? कलयुग बने, द्वापर में नहीं बने. स्टूडेंट्स इन द आयन एज. इन द आयन एज नॉट इन द कॉपर एज. है? अरे क्यों खींचते हो बुद्ध योग? तुम खुद सुन रही हो ध्यान से? टू अ स्टूडेंट. अरे वाई आर यू अट्रैक्टिंग एवरी वन अटेंशन? आर यू योर सेल्फ लिसनिंग टू द मुरली अटेंटिवली? बंद करो, चाहिए नहीं. स्टॉप इट, आई डोंट नीड इट. संस्कार आत्मा में रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं और बुरे भी रहते. द सोल हैज संस्कार्स. इट हैज गुड एज वेल एज बैड संस्कार्स. परम धाम में सिर्फ अच्छे संस्कार हैं. देर आर ओनली गुड संस्कार्स इन द सुप्रीम अबोर्ड. निराकारी लोक में? इन द इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड. और साकारी लोक में नंबरवार बुरे संस्कार होते जाते हैं. वेयर एज द संस्कार्स कंटिन्यू टू वर्सन नंबर वाइज इन द कॉर्पोरियल वर्ल्ड. कोई ने कहा कलयुग में बुरे संस्कार होते हैं? समवन सेड दैट देर आर बैड संस्कार्स इन द आयन एज. क्या सत्युग में बुरे संस्कार नहीं होते? Aren't there bad संस्कार्स इन द गोल्डन एज? है? द्वापर में होते. स्टूडेंट दे आर इन द कॉपर एज. दे आर इन द कॉपर एज. सत्युग त्रेता में नहीं होते बुरे संस्कार नीचे उतरने के? Aren't there bad संस्कार्स ऑफ फॉलिंग इन द गोल्डन एंड द सिल्वर एज? स्टूडेंट दे आर इन लेस परसेंटेज बाबा. कम परसेंटेज उतरने के संस्कार तो होते हैं. दो लेस इन परसेंटेज दे डू हैव द संस्कार्स ऑफ फॉलिंग डोंट दे. सत्युग में जो आत्माएं आती है परम धाम से तो नीचे उतरती है, उत्तरोत्तर लगातार नीचे उतरती है कि ऊपर चढ़ती है? डू द सोल्स हू कम फ्रॉम द सुप्रीम अबोर्ड इन द गोल्डन एज फॉल? Do they continuously fall or do they rise? Students, they fall. तो नीचे उतरने के संस्कार अच्छे हुए. So, are the संस्कार्स of falling good? ये तो खराब संस्कार हो गए. They are certainly bad संस्कार्स. तो फिर अच्छे संस्कार कहाँ होते हैं? So, where are their good संस्कार्स? है? अच्छे संस्कार होते हैं जहाँ के लिए बताया कि तुम बच्चे परम नाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे. गुड संस्कार आर देयर फॉर द प्लेस फॉर विच इट इज सेड यू चिल्ड्रन विल ब्रिंग डाउन द सुप्रीम अबोर्ड टू दिस वर्ल्ड. उस साकारी परम धाम में, इन दैट कॉर्पोरियल सुप्रीम अबोर्ड, तुम शरीर के साथ होंगे तो यू विल सर्टनली बी प्रेजेंट विद द बॉडी. लेकिन शरीर में तुम्हारा लला लगाव ममत्व नहीं होगा. But you won't have attachment, affection for your body. वहाँ तुम्हारी आत्मा चढ़ती कला में होगी या उतरती कला में होगी? चढ़ती कला में होगी. Will your soul be in the stage of ascending celestial degrees or descending celestial degrees there? It will be in the stage of ascending celestial degrees. जिसके लिए कहा चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला. It is said for that,
Everyone is benefited through you when you are in the stage of ascending celestial degrees. ऐसी तुम्हारी चढ़ती कला होगी कि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं की मनबुद्धि तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रही होगी. Your stage of ascending celestial degrees will be such that the mind and intellect of the human souls of the entire world would be attracted towards you. ऐसे तुम्हारे श्रेष्ठ संस्कार होंगे, अच्छे संस्कार. Your संस्कार्स विल बी सो एलिवेटेड, गुड. नीचे उतरने का तो नाम ही नहीं. देयर वोंट बी एनी क्वेश्चन ऑफ फॉलिंग एट ऑल. अभी इतनी मेहनत करते हैं. यू वर्क सो हार्ड नाउ. मेहनत महसूस होती है या नहीं होती है? डू यू फील द हार्ड वर्क और नॉट? है, होती है. यू फील इट. फिर भी नीचे न चाहते भी वृत्ति भी नीचे चली जाती है, दृष्टि भी नीचे गिर जाती है, कर्मेंद्रियां भी फिसल पड़ती हैं. स्टिल यू फॉल इवन इफ यू डोंट विश. योर वाइब्रेशंस, विजन एज वेल एज कर्मेंद्रियां फॉल. कर्मेंद्रियों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है. द पावर ऑफ द कर्मेंद्रिया ऑल्सो डिक्रीजेस. संघ का रंग सारा ही पलट जाता है. द कलर ऑफ द कंपनी चेंजेस कम्प्लीटली. फिर क्या होगा? देन वॉट विल हैपन? फिर वहां चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला होता रहेगा. एवरीवन विल कंटिन्यू टू बी बेनिफिटेड थ्रू यू व्हेन यू आर इन द स्टेज ऑफ एसेंडिंग सेलेस्टियल डिग्रीज देयर. तो देखो, सो लुक, बुरे संस्कार बदल करके अच्छे हो जाएंगे. द बैड संस्कार विल चेंज इन टू द गुड संस्कार. कौन सी ताकत से? थ्रू विच पावर? योग बल से. स्टूडेंट्स, रिमेम्बरेंस, थ्रू द पावर ऑफ योग. योग की ताकत से तुम्हारे बुरे संस्कार भी बदल करके अच्छे हो जाएंगे. योर बैड संस्कार विल ऑल्सो चेंज इन टू गुड थ्रू द पावर ऑफ योग. नीचे गिरने का नाम निशान नहीं रहेगा. देर वोंट बी एनी ट्रेस ऑफ फॉलिंग. अब समझ में आ गया. नाउ यू हैव अंडरस्टूड. कि सतयुग में भी लक्ष्मी नारायण होंगे, उनके संस्कार होंगे. देर विल बी लक्ष्मी एंड नारायण इन द गोल्डन एज टू. दे विल हैव संस्कार. और संगम युग में भी लक्ष्मी नारायण होंगे. एंड देर विल बी लक्ष्मी नारायण इन द कॉन्फ्लुएंस एज टू. उनके भी संस्कार होंगे. दे विल ऑल्सो हैव संस्कार. कौन श्रेष्ठ है? हु इज एलिवेटेड? जो संगम युग में नरसे नारायण बनने वाले हैं, जिनका गायन है नरसे नारायण और नारी से लक्ष्मी. Those who are going to become Narayan from a man in the confluence age, for whom it is praised, Narayan from a man and Lakshmi from a woman. वो श्रेष्ठ संस्कारों वाले हैं. They are the ones with elevated संस्कार्स. ऐसे संस्कार हमको यहाँ संगम युग में धारण करने. We have to assimilate such संस्कार्स here in the confluence age. जो सदैव हमारी चढ़ती कला बनी रहे. So that we always have the stage of ascending celestial degrees. गिरति कला का नाम निशानी खत्म हो जाए. The very name and trace of the descending celestial degrees should end. तो अच्छे संस्कार हम वहाँ निराकारी दुनिया में ले जाएंगे. So we will take along the good संस्कार there to the incorporeal world. बाप में भी पढ़ाई के संस्कार हैं. द फादर ऑल्सो हैज द संस्कार ऑफ नॉलेज. जो पढ़ाई की बातें आकर के तुमको समझाते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज विच ही कम्स एंड एक्सप्लेन्स टू यू. रचयिता और रचना के आद्यंत का राज आकर के समझाते हैं. ही कम्स एंड एक्सप्लेन्स द सीक्रेट ऑफ द बिगिनिंग, मिडल एंड एंड ऑफ द क्रिएटर एंड क्रिएशन. बीज की भी समझानी देते हैं और सारे झाड़ की समझानी भी देते हैं. He gives the explanation of the seed as well as the entire tree. बीज की समझानी है ज्ञान. The explanation of the seed is knowledge. क्या कहा? What was said? है? ज्ञान है
बीज, नॉलेज इज सीड, बीज की समझानी है ज्ञान, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सीड इज नॉलेज, और झाड़ अर्थात डिटेल अर्थात विस्तार की समझानी है भक्ति, एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्री दैट इज डिटेल दैट इज एक्सपेंशन इज भक्ति। क्या मतलब हुआ? व्हाट डज इट मीन? जितना ज्ञान विस्तार में जाता है उतना शक्ति क्षीण होती जाती है। द मोर द नॉलेज गोज इन टू एक्सपेंशन द पावर गोज ऑन डिक्रीजिंग टू दैट एक्सटेंट। और जितना ही ज्ञान बीज रूप में अर्थात सार रूप में टिकता जाता है उतना ही उसमें शक्ति जास्ती भर जाती है। एंड द मोर द नॉलेज कंटिन्यूज टू स्टेबलाइज इन द सीड फॉर्म दैट इज द एसेंस फॉर्म द मोर पावर इट कंटेन्स। तो बीज का विस्तार, सो द एक्सपेंशन ऑफ द सीड, जैसे कि भक्ति का डिटेल समझाया जाता है, इज लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ भक्ति इन डिटेल। अभी बाप कहते हैं बीज को याद करके वहाँ ही चले जाना है। नाउ द फादर सेज यू हैव टू रिमेम्बर द सीड एंड गो देयर इटसेल्फ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुमको 40-50 वर्ष लगते हैं। यू टेक 40-50 ईयर्स टू बिकम सतो प्रधान फ्रॉम तमो प्रधान। क्या? व्हाट? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुमको 40-50 वर्ष लगते हैं। यू टेक 40-50 ईयर्स टू बिकम सतो प्रधान फ्रॉम तमो प्रधान। कम से कम 40 वर्ष। यू टेक मिनिमम 40 ईयर्स। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम वेन टिल वेन? है 76 से लेकर? फ्रॉम 1976। 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। 1976 इज द ईयर ऑफ द फादर्स रेवलेशन। 77 संपूर्णता वर्ष। 1977 इज द ईयर ऑफ कम्प्लीशन। तो 77 के बाद 78 आया। सो 1978 केम आफ्टर 1977। 78 से 40 वर्ष ऐड कर दिए तो कौन सा सन आता है? इफ यू ऐड 40 इयर्स टू 1978 व्हिच ईयर कम्स? 2018। 2018। तो कम से कम टाइम लगता है 40 वर्ष तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। सो इट टेक्स मिनिमम टाइम ऑफ 40 इयर्स टू बिकम सतो प्रधान फ्रॉम तमो प्रधान। फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लग जाते हैं। एक्यूरेट। देन इट टेक्स एक्यूरेट 5000 इयर्स टू बिकम तमो प्रधान फ्रॉम सतो प्रधान। संसार से शुरुआत नहीं करेंगे? Won't you start counting since the year 1960? सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने की शुरुआत कहाँ है? What is the beginning of becoming tamo pradhan from sato pradhan? कौन सा संबत कहेंगे? Which era will it be called? है? नहीं। स्टूडेंट फ्रॉम द कॉपर एज? नो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। इट टेक्स 5000 इयर्स टू बिकम तमो प्रधान फ्रॉम सतो प्रधान। और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। एंड इट टेक्स 40 इयर्स टू बिकम सतो प्रधान फ्रॉम तमो प्रधान। 40 वर्ष का तो राज समझ में आया। यू डिड अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ 40 इयर्स। कि बाप की पहचान जब से होती है, दैट सिंस यू रिकॉग्नाइज द फादर, किस मुकर्रर रथ में बाप आया हुआ है, दैट ही हैज कम इन दिस परमानेंट चैरियट, तब से लेकर के 40 वर्ष ऐड किए बाप के प्रत्यक्षता वर्ष सन 76-77 में,
If you add 40 years to the year 1976-77, the year of the father's revelation, तो 2018 2018 comes. इन 40 वर्षों में तमोप्रधान से सतोप्रधान आत्माएं बनती हैं. The souls become सतोप्रधान from तमोप्रधान in these 40 years. सभी बनती हैं या कोई कोई है? Do all become that or are there some who become that? है? नंबरवार है. कितनी है नंबरवार? Students, they are number wise. They are number wise. How many souls are number wise? जो 40 वर्ष में तमोप्रधान से सतोप्रधान बनती है. How many souls are number wise who become सतोप्रधान from तमोप्रधान in 40 years? है? नौ लाख बन जाएंगे 2018 में. स्टूडेंट रिप्लाइज, विल 900,000 सोल्स बिकम सतोप्रधान इन 2018? है? 4.5 लाख बन जाएंगे. स्टूडेंट्स, 450,000, विल 450,000 सोल्स बिकम सतोप्रधान? तो 2036 में कितने हो जाएंगे नई दुनिया में? Then how many souls will there be in the new world by 2036? है? कोई कह रहा 8 हो जाएंगे. Student, 8 souls. Someone is saying there will be 8 souls. ये ठीक है. It is correct. क्योंकि जो नई दुनिया बनेगी वो थोड़ों से बनेगी या ज्यादा से बनेगी? It is because the new world that is established, will it be established with few or more souls? Students, few. कम से कम एक पारिवारिक इकाई होनी चाहिए. There should at least be one family unit. तो एक परिवार में 6-8 हो ये कोई बड़ी बात नहीं. So, if there are 6 to 8 members in a family, it isn't a big deal. और वो सब धर्मों का फाउंडेशन डालने वाले पूर्वज होने चाहिए. In addition, they should be the ancestors who lay the foundation of all the religions. तो बोला 40 वर्ष कम से कम. So it was said, it takes minimum 40 years. और ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष. And maximum 50 years. कब पूरे होते हैं 50 वर्ष? When are the 50 years completed? 2028 में. In 2028. 2028 में जो 50 वर्ष पूरे होते हैं. The 50 years that are completed in 2028. उसमें कितनी आत्माएं सतोप्रधान सात्विक स्टेज में टिकी हुई होंगी? How many souls will be stabilized in the सतोप्रधान सात्विक स्टेज by then? वो प्रजावर्ग की भी होंगी या राज परिवार की भी होंगी? स्टूडेंट्स, 450,000, विल दे बिलोंग ओनली टू द सब्जेक्ट कैटेगरी और द रॉयल फैमिली टू? तो 4.5 लाख कहाँ हुए? स्टूडेंट्स, द रॉयल फैमिली, देन हाउ आर दे 450,000 सोल्स? है? यथा राजा तथा प्रजा. स्टूडेंट, 108 सोल्स बाबा. एज इज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स. राजा तैयार करने में टाइम लगता है या प्रजा बनने में टाइम लगता है? डज इट टेक लॉन्ग टू मेक द किंग्स रेडी और डज इट टेक लॉन्ग टू बिकम सब्जेक्ट्स? राजा तैयार हुए तो प्रजा पीछे पीछे स्वतः ही तैयार हो जाती है. Once the king is ready, the subjects automatically become ready after them. देरी नहीं लगेगी. It won't take long. बोला. So it was said. कि सतोप्रधान से तमोप्रधान बनने में 5,000 वर्ष एक्यूरेट लगते हैं. It takes accurate 5,000 years to become तमोप्रधान from सतोप्रधान. वो अबाउट बताया जाता है 40-50 वर्ष. 40 to 50 years is the approximate time mentioned.
ये चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। दिस साइकिल इज मेड वेरी एक्यूरेटली, जो फिर रिपीट होता रहता है। देन इट कीप्स रिपीटिंग। ओम शांति। ओम शांति।